हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इन अ फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉय, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 5:3. मेल रेशियो फीमेल कितना दे रखा है? 5:3. और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें कितने दे रखे? अब टोटल वैल्यू हमें एम्प्लॉय की कितनी दे रखी है? 400. और मेल प्लस फीमेल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x. अब हमें मेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5x से. एक्स से एक्स कैंसिल, ये कितने पे कट हो जाएगा? 50 पे. तो कितने आ गए? 250 मेल. अब फीमेल की वैल्यू निकालनी है तो टोटल एम्प्लॉय 400, टोटल रेशो का सम कितना है? 8x इंटू फीमेल की वैल्यू निकालनी तो 3x. तो ये कितनी आ गई? 150 फीमेल. आगे क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री. अब टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं? 400 है. इसका कितना 87.5% ही क्या है? रेगुलर एम्प्लॉय. तो अगर रेगुलर एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी? फोर हंड्रेड का 87.5%, परसेंट हटाने के लिए 100 और पॉइंट हटाने के लिए 1 और 0. तो कितने एम्प्लॉय रेगुलर हैं? ओनली 350 एम्प्लॉय ही रेगुलर हैं. ये हमारी किसकी वैल्यू है? रेगुलर एम्प्लॉयज की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 350. अब आगे क्वेश्चन में बोला गया इफ 92% ऑफ मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर एम्प्लॉय. तो रेगुलर मेल एम्प्लॉय जो मेल एम्प्लॉय है उसका 92% पार्ट ही क्या है? रेगुलर मेल एम्प्लॉय है वो. तो मेल एम्प्लॉय है कितने? 250. इसका 92% तो ये यहां से कितना आ जाएगा? 230. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय की. तो रेगुलर एम्प्लॉय कितने हैं हमारे? 350. अब रेगुलर एम्प्लॉय किस किस से मिलके बनेंगे? रेगुलर मेल एम्प्लॉय से प्लस रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय से. तो रेगुलर मेल एम्प्लॉय कितने आए हमारे? 230. 350 माइनस 230 इज 120. आगे क्वेश्चन में पूछा गया देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय. तो वो पूछ रहा है कि रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय की परसेंटेज क्या है. तो हमारी टोटल फीमेल्स कितनी है? 150. और रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय कितनी है? 120. रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय 120 आ गया. टोटल फीमेल है कितनी? 150 इंटू 100. तो 80% फीमेल एम्प्लॉय क्या है हमारी? रेगुलर एम्प्लॉय. आंसर